बता, मैंने कई बार देखा है, एक बार बातें भी करते हैं हम लोग इस बारे में, कि जो लेबर्स होते हैं ना, जो बंदे पूरे दिन फिजिकल काम करते हैं और पूरे दिन लगे रहते हैं खोजे खाते में, भाई वो दबा के खाते हैं, ठीक है, और दबा के मेहनत करते हैं, ठीक है, और वो कोई आयरन थिंग, वो वे प्रोटीन या फिर वो कोई स्ट्रिक्ट डाइट शेड्यूल फॉलो करते हैं, ठीक है, तो उनकी बॉडी और एक जिम वाले बंदे की बॉडी, मतलब एज मुझे लगता है कि उसकी ज्यादा वो होती है, क्या कहते हैं, स्ट्रांग होती है और ज्यादा अच्छी कटिंग और अच्छी चीजें, मतलब वेल बिल्ड जिसे कहते हैं, वो होती है, rather than a person who is following a diet plan, who is going to the gym. अब देख, हर जिम वाले की बॉडी ना स्ट्रॉन्ग नहीं होती, पहली बात बता, ठीक है, तो भाई पहले तो कोई कंपैरिजन नहीं, ठीक है, ठीक है, लेबर्स के लिए अलग रिस्पेक्ट है ऑब्वियसली, क्योंकि भाई जिम वाले हम पैसे देके चल जा रहे हैं, ठीक है, वो पैसे के लिए काम कर रहे हैं, तो देयर इज नो कंपैरिजन, वो सर्वाइवल के लिए काम कर रहे हैं, तो वो सर्वाइवल के लिए काम कर रहे हैं, हम पैसे थूक के अपने लिए कर रहे हैं, जो मतलब अपने बॉडी पे खर्च कर रहे हैं, तो उनका उनकी जो मजबूरी है यार, उनका तो मजबूरी है कि उनको ये सब करना है, बाकी तो देख जो बंदे जिम में है अपना एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं, तो भाई मतलब नॉर्मली ना मेंटली ना स्ट्रॉन्ग तो वही लोग होंगे, लेबर ही होंगे, ठीक है, जिम वाले, कल को फाइट में कल को किसी का ब्रेकअप हो जाएगा ना, ओ भाई मैं बॉडी बनाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, क्या भाई मतलब ब्रेकअप हो गया तो बॉडी बनाएगा उसको दिखा देंगे कि हम भी कौन, छोड़ के कैसे गई वो मेरे को अंशु, वो छोड़ के उसकी हिम्मत कैसे हो गई, ये होता भाई, मतलब भाई अब हो गया तो मतलब बॉडी बनाऊंगा जिम में जाकर, भाई ये क्या है, बट वापस आ जाएगी जिम को, मतलब तू किसी से बदला लेने के लिए कर रहे हो गए भाई, अब अगर तुझे मतलब इतना परेशान हो गया है, इतना परेशान हो गया बोल नहीं पा रहा, बिल्कुल पर मेरे को ऐसी मोटिवेशन आई कि मैं जिम ही जाऊंगा और कहीं नहीं जाऊंगा भाई, ऐसी वीडियोस देख के ना बोला सर दर्द नहीं 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 भाई जिम इज नॉट दैट, मतलब ये तो डिसाइड हो गए भाई जिम की, मतलब एक लड़की ने ब्रेकअप दे दिया तुम जाके भाई एक्सरसाइज करो बॉडी बना रहे फिर जाके शो ऑफ कर, क्या भाई भाई मतलब सोच कितनी मैटर करता है, सोच कितनी स्टूपिड और कितनी वाइज चीज है एट द सेम टाइम, कि तुम्हारा ब्रेकअप हुआ, ठीक है, तुम पेन में हो, तुम इमोशनल पेन में हो, उसके बाद तुम फिजिकल पेन लेने जा रहे हो जिम में, ठीक है, बट फॉर अ डिफरेंट गोल, ओके, ठीक है, रीजन मतलब रीजन अच्छा नहीं लगा मुझे, अगर तू इससे पहले से एक्सरसाइज कर रहा है ना, ऑफ कोर्स हो गया, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, हां बट अबे पर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर तू वही जो तू माइंडसेट वहां पे लगा रहा है ना कि मैं इसको दिखा दूंगा कि मतलब मैं भी क्या चीज हूं, ठीक है, तू ये माइंडसेट लेके जा रहा है वहां पे और वो सारा पेन एंडोर कर रहा है अपनी बॉडी पे फिजिकली, और अगर तू यही चीज ये वाली अप्रोच में लगाएगा जब तेरा दिल टूटेगा कि भाई अच्छा ठीक है मुझे वो छोड़ गई है, आई नीड टू बी मोर स्ट्रॉन्ग, आई नीड टू फेस दिस, ठीक है, रादर देन गेटिंग मोटिवेटेड बाय दैट एंड गोइंग टू द जिम, ठीक है, दैट इज नॉट अ रॉन्ग थिंग, बट द पर्पस फॉर व्हिच यू आर डूइंग इट इज रॉन्ग, ठीक है, तो ये आई वाज ट्राइंग टू से, हां कमिंग बैक टू द टॉपिक, मतलब वही है यार कि ये ऐसे बंदा तो वैसे बंदे तो मैं नहीं पहली बार, ठीक है, और जहां तक बात रही लेबर भाई उनके अलग रिस्पेक्ट है, तो उनके बारे में तो भाई उनको उनके तो भाई देख वो इतना भारी भारी सामान उठाते हैं विदाउट एनी वार्म अप, ठीक है, उनके उनको कितनी इंजरीज होती है उन्हें खुद नहीं पता होता, बस उन्हें पेन होता है और उसी पेन के साथ भाई अपने लेबरिंग का काम कर रहे होते हैं, तो भाई यही चीज होता है, मतलब डिफरेंस बहुत है, ठीक है, उनके लिए अलग रिस्पेक्ट है, और जिम वाले बंदे हैं उनका भाई अपना ही है कि भाई हमें कुछ और करना है, पर भाई जिम वालों के लिए भी है रिस्पेक्ट, ऐसी बात नहीं है भाई, मतलब जाके एक्सरसाइज करना रेगुलर बेसिस पे तीन तीन चार चार घंटे, और कुछ कुछ बंदे तो भाई लगा ले तू मुस्तकीन भाई को लगा ले, तो गुरु है मेरा, दो बार एक्सरसाइज करने आते हो सुबह और शाम, ठीक है भाई, मैं सोचता हूँ कि उस हिसाब से मतलब डाइट क्या होगी, मतलब मैं इमेजिन करता हूँ चल डाइट तो मैं ले लूंगा, फिर मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि बॉडी में जो पेन उठेगा तो मैं हैंडल कैसे करूंगा, वो कमजोरी आएगी वो अलग भाई, जी भी कंपटीशन के तरफ प्रिपेयर करते हो ना भाई, तो मतलब भाई बॉडी पहली बात तो थे जिम में जितने भी बंदे बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं ना, इट्स नॉट इजी, दुनिया का सबसे मुश्किल स्पोर्ट है भाई, दुनिया का सबसे मुश्किल स्पोर्ट, चाहे कोई माने ना माने, ठीक है, चल अब बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये था, मैं भूल गया, मैंने बोला था भूल जाऊंगा, याद है कि लोग हाँ 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 सीधा सीधा क्वेश्चन ये है कि लोगों को मैंने देखा है
बॉडी होती है पर स्ट्रेंथ नहीं होती है. दे गेट अ साइज, दे डोंट गेट अ स्ट्रेंथ विद इट. ठीक है. एंड और एट द सेम टाइम मैं किसी और को देखता हूँ, दैट गाय डज नॉट हैव किसी जैसे वो लगा लिया अपने हाथ मिलाते हैं, ठीक है, तो उस बंदे की बॉडी नहीं है, कुछ नहीं है, बट जब तुम हाथ मिलाओगे ना, यू फील दैट पेन और उसकी पावर, ठीक है, हाथ मिलाने में प्रेशर, ठीक है. सेम गोज विद दूसरी चीज कि उसकी बॉडी है, सब कुछ है, तुम मिला रहे हो, मतलब हाथ भी मिलाओ या फिर कुछ भी करो, उसमें जान नहीं होती है, उसमें साइज जरूर होता है. इसका इसका क्या वो है भाई रीजन? जेनेटिक्स ब्रो, मतलब वो एक जेनेटिक है, वो आपकी फैमिली के थ्रू आता है, ठीक है. अब किसी किसी के हाथ बड़े होते हैं, ठीक है, और किसी किसी के ना बॉडी, जो बॉडी में जो मास होता है ना वो कम होता है, बॉडी मास कम होता है, ठीक है, तो बॉडी में लीन थोड़ी ज्यादा होती है, तो मोस्ट ऑफ तो ज्यादा लीन बंदे या जिनके हाथ बड़े है ना उनसे हाथ मिलाएगा. आप जैसे कुशाक के हाथ फिंगर्स बहुत बड़े हैं, तो उससे हाथ मिला तो उससे उसका भी लगता है कि हाथ स्ट्रॉन्ग है उसका थोड़ा. मुझे मेरे को ऐसा लगता है कि उसका हाथ मेरे से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है. तो ये होता है, मतलब ये जेनेटिक्स, मतलब आपकी फैमिली से आते हैं. अब कुछ लोग बोलते हैं कि ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये वाला कैसे करे, दिस इज जेनेटिक्स, यू कैन ओनली ग्रो द मसल ऑफ हेयर. तो वही है कि भाई दिस इज जेनेटिक्स. और जो बंदा एक्सरसाइज करता है ऐसा नहीं है कि वही स्ट्रांग हो. अब भाई एक बंदा एक्सरसाइज करता है तो उसे पंजा लगा रहे वो हार जाएगा, मतलब ऐसा नहीं है कि हर बंदा जीतेगा, हार जाएगा. तो दिस इज जेनेटिक्स जो है, मतलब फिटनेस में जिम में जेनेटिक्स का बहुत बड़ा रोल है, जो आता है बचपन से फैमिली से आता है. ओके.